नंद के लाला की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्री यमुना मैया की जय हो, भारत कृष्णा श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार हरि नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन पवित्र कथा को हम आप सभी श्रवण करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल हे गो
गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आनंद कंद जी नंदन भगवान श्याम सुंदर जी की कृपा से प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन। भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधु भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें इस व्यास पीठ से सभी को बार बार वंदन बार बार नमन। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में हिमाचल नगरी माता जगत जननी भवानी की गोद में बैठकर द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवधाम पनियाला की इस पावन धरा पर हम आप सभी यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस को आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए चित सार सिंधु युगल सरकार राधा गोविंद जो शब्द रूप में श्रीमद् भागवत स्वरूप में हमारे सामने विद्यमान है प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस भागवती गंगा में प्रवेश करते हैं गोता लगाते हैं। कल बड़ा ही सुंदर हम नंद महोत्सव मना रहे थे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। थोड़ा जोर से बोलो। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हम लोगों ने तो मुश्किल से आधे घंटे का उत्सव मनाया होगा पर आप जानते हैं कि ब्रज में जब नंद महोत्सव मनाया गया एक वर्ष तक लगातार नंद उत्सव मनता रहा और क्यों ना मने जहां आनंद कंद भगवान का प्राकट्य हुआ
इसलिए तो ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो। यहाँ कन्हैया का जन्म थोड़ी हुआ है, यहाँ तो आनंद कंद भगवान का जन्म हुआ है। आनंद उमड़ जाता है, आनंद बरसता है वहाँ। बधाई में लूट रहे थे हम लोग टॉफी बिस्किट, कैसे झोली फैला रही थी माताएं, है ना, कोई नीचे गिर जाए तो कितनी जल्दी उठा रहे थे। कोई बहुमूल्य चीज तो नहीं थी वो, कीमती आभूषण तो नहीं थे जिनको लूटने के लिए आप इतना व्याकुल थे। दो चार दस बीस पचास सौ रुपए की टॉफियां, कोई अनमोल वस्तु नहीं थी जिनको आप खरीद नहीं सकते थे। आप चाहते तो उनको दुकान से फिर खरीद सकते थे, लेकिन फिर भी उनको लेने के लिए हम कितना व्याकुल होते हैं, उनको लेने के लिए हम बेचैन होते हैं। जब नंद महोत्सव मनाया जाता है तो वो दो दो पांच पांच रुपए की टॉफी बिस्किट भी लूटने में कितना आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ नंद घर आनंद भय, इसलिए आनंद कंद भगवान का उत्सव है। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जब प्रागट्य हुआ तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मान ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ ने जैसे ही कानों से सुना कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो मानो ब्रह्मानंद समाना, वो आनंद में ही नहीं ब्रह्मानंद में लीन हो गए। मन में ब्रह्मानंद उमड़ रहा है, सिर्फ आनंद ही नहीं परमानंद ही नहीं ब्रह्मानंद जहां उमड़ रहा है। ऐसे आनंद कंद भगवान है, हर व्यक्ति आनंदित हो जाता है जब नंद महोत्सव मनाया जाता है, जब ठाकुर जी का प्राकट्य होता है। अभी देखो अगले महीने आएगी जन्माष्टमी, भादो का महीना आएगा और कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि जन्माष्टमी। पूरा भारत, भारत क्या देश विदेशों में भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। हम सब अपने अपने घरों में कन्हैया का उत्सव मनाते हैं, व्रत धारण करते हैं, लड्डू गोपाल जी घर में रखे हैं, उनको अभिषेक कराते हैं, बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, नंद महोत्सव मनाते हैं। हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है, हर साल जन्म उत्सव मनाते हैं। अब आप लोग तो देखो नंद महोत्सव साल में एक ही बार मनाते हो और हमारे बारे में सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हर महीने एक दो कथा हो ही जाती है और हर कथा में नंद महोत्सव मनाया ही जाता है। तो कितनी बार नंद महोत्सव मनाते हैं, कितने आनंद की बात। नंद घर आनंद भर, पूरा ब्रजमंडल आनंदित है, नाच गाना हो रहा है, बधाइयां गाई जा रही हैं, बजाई जा रही हैं। मैंने कहा था कल आप सभी से कि बधाई होगी तो सब नाचना, सब ठुमके लगा लेना। आज कन्हैया के जन्मदिन में नाच लोगे 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ेगा, है ना। सब नाच भी रहे थे, नृत्य कर रहे थे, बधाइयां गाई जा रही थी, सब आनंदित हो रहे थे। ब्रजवासी भी खूब उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं। अब आप सोचो कि आधा घंटे हमने उत्सव मनाया, है ना, आधा घंटे ही तो मनाया ज्यादा से ज्यादा। दो तीन बधाइयां गाई और दो तीन बधाइयां गाने में ही हम खूब नृत्य गान कर रहे थे। दो तीन बधाइयां गाई, नाचे गाए, झूम मचाई, धूम मचाई और दो तीन बधाइयां गाने में ही हमारे जो तबले वाले भैया हैं ना उनके हाथों में दर्द होने लगा। वो बोले बस करो, कितना उत्सव, कितनी देर और चलेगा। लेकिन उन ब्रजवासियों के बारे में सोचो, एक वर्ष तक उत्सव मनता रहा, ढोलक मजीरा बजते रहे, मृदंग बजते रहे, खड़ताल बजती रही। अब आप कहोगे महाराज एक साथ
साल तक कंटिन्यू ढोलक बज रही हो, तबला बज रहा हो, मृदंग बज रहा हो, तो साज बाजों की हालत क्या होगी, है ना? क्या होगी? दो तीनों में थक गए, वो लोग कैसे गा रहे हैं, कैसे बजा रहे होंगे, तो ढोलक फूटी नहीं क्या? तो कहते हैं जब ग्वाल बाल ढोलक बजाते बजाते 6 महीना बीत गए, तो ढोलक भी जब फूट गई, तो अब क्या बजावे? तो कोई मोटे पेट वाला ग्वाल बाल देखा तो उसका पेटी बजाने लगे, कोई बड़ा बुजुर्ग जिसके सिर पर बाल नहीं है ना, उसकी चांद खोपड़ी बजाने लगे। अपने अपने घरों की रसोइयों में से गोपियां थाली चम्मच लेकर के आई और थाली चम्मच ही बजाने लगी। जो मिलता है, बात आनंद की है ना, विस्मृति हो जाती है, देहाभिमान शून्य हो जाते हैं हम जब आनंद हृदय में जागृत हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है, देह की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती व्यक्ति को, मैं भूल जाता है किस परिस्थिति में, बस जो भी मिले आनंदित। इसलिए कभी देखा होगा आपने नृत्य करते करते बहुत सी स्त्रियां बहुत सी माताएं भूल जाती हैं हम कौन सी परिस्थिति में, और ऐसे नाचती उनको होश ही नहीं रहता, पसीने से लथपथ है, पता ही नहीं चलता। देहाभिमान शून्य, ये आनंद की परिभाषा है। पूरा ब्रज आनंदित हो रहा है, लुटाया जा रहा है। हम लोगों ने तो टॉफी बिस्किट लुटाए, लेकिन वहां पर तो नंद बाबा सोना चांदी लुटा रहे हैं, वस्त्र आभूषण लुटा रहे हैं, हीरा जवाहरात पन्ना मोती लुटाया जा रहा है, खजाने खोल दिए हैं नंद बाबा ने, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। ध्यान देना, जब आनंद प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति बांटता है, बटोरता नहीं है, क्योंकि बटोरने में संघर्ष संग्रह आता है, लेकिन जब व्यक्ति बांटता है तब देखो क्या आनंद की बात आई। नंद बाबा बांट रहे हैं, और सिर्फ नंद बाबा ही नहीं बांट रहे, लुटा नहीं रहे, जो लोग उसको लूट रहे हैं, जो ब्रजवासी उस धन संपत्ति बधाई को लूट रहे हैं, वो लोग भी अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, क्योंकि लूटते लूटते जब उनकी झोलियां भर जाती हैं तो क्या करते हैं, उठा करके अपने से पीछे वालों को लुटा देते हैं। होता है ना नंद महोत्सव में, जब हम सामान लूटते हैं तो ज्यादा पोटली हो भर जाए, तो कोई माताजी कहे कोई लेट हो गई कि भाई हो गया उत्सव, मुझे तो एक भी टॉफी नहीं मिली, तो हम कहते ना लो हमारे पास है, तुम भी आनंदित हो जाओ। आनंद जब आता है हृदय में तब व्यक्ति बांटना सीख जाता है, फिर वो बांटता है, बटोरता नहीं। ब्रजवासी बांट रहे हैं, ब्रजवासी लुटा रहे हैं, जिसके हृदय में कृष्ण है वो लुटाता है, वो झोली समेटता नहीं है, वो झोली बोली खोल देता है, लूटो। जेब भर रहे हैं ब्रजवासी, जब लूटते हैं तो जेबों को भरते हैं, और जब जेब भर जाती है तो कहते हैं महाराज लूटते लूटते उन जेबों से भी सोना चांदी बाहर निकलता है, गिर जा रहा है, तो ब्रजवासी क्या करते, ग्वाल बाल उठा उठा करके अपने से पीछे वालों को फेंक देते हैं, उनको लुटा देते हैं। सोना चांदी धूल में दूषित हो रहा है, सोना चांदी धूल में मिट्टी में लिपट रहा है, ये ब्रज का वैभव है। ऐसा लगता है आज कृष्ण के जन्म पर पूरे ब्रज मंडल में एक स्वर्ण की परत बिछ गई है, एक सोने की परत बिछ गई है, पूरा ब्रजमंडल ऐसा लगता है कि सोने की चादर ओढ़ करके बैठा है, ये ब्रज का वैभव है। और क्यों ना हो भैया, हमारे ब्रज में ठाकुर जी ने जन्म जो लिया है, भगवान की दो पत्नी है ना, रमा और क्षमा, पत्नियां तो बहुत सारी हैं, 16108, वो तो आप विस्तार से आगे सुनेंगे, पर अभी मैं दो का वर्णन कर रही हूँ, रमा और क्षमा। रमा लक्ष्मी और क्षमा पृथ्वी।
तो नारायण बैकुंठ में किसके साथ रहते हैं? लक्ष्मी के साथ, है ना? लेकिन जब भगवान ने अवतार लिया तो कहाँ पर लिया? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के पास आ गए, अपनी क्षमा के पास, पत्नी के पास। तो लक्ष्मी जो बैकुंठ में बैठी हैं, मन नहीं लग रहा है नारायण के बिना, मन बेचैन है, व्याकुल है। मैं भी तो देख कर आऊं, भगवान का अवतार हुआ है, कैसे हैं ठाकुर जी, जरा दर्शन करके आना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी पृथ्वी पर हमारे ब्रज में प्रभु का दर्शन करने के लिए आई, और जब वहाँ आनंद की लहर को दौड़ते देखा तो कहते हैं लक्ष्मी भी उस ब्रज की रज में लोट लगा रही हैं। रमा क्रीडन भूनरप, उस ब्रज रज में लक्ष्मी नृत्य कर रही है, लोट पोट होकर के अपने आप को आनंदित कर रही है। ये ब्रज का वैभव है। अब सोचो जहाँ लक्ष्मी ब्रज में धूल में लोट लगाए, वो ब्रज कैसा होगा? और क्यों ना हो, जहाँ नारायण तहाँ लक्ष्मी, पूरा ब्रज मंडल। अब आप कहेंगे इतना लुटाने के बाद भी नंद बाबा का खजाना खाली नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ भाई? इतना लुटा रहे हैं तो खजाना खाली भी तो होना चाहिए। एक साल तक उत्सव मनता रहा, बिल्कुल नहीं हुआ। वो जितना लुटाते हैं उससे दूना चौगुना लौट करके उनके खजाने में आ जाता है। वो जितना देते हैं दुगना चौगुना हो करके उनके खजाने में जमा हो जाता है। इसलिए लुटाते लुटाते भी खजाना खाली नहीं। कह दिया है कन्हैया ने बाबा से, बाबा चिंता मत करो, लुटाते जाओ। अरे लक्ष्मी बैठी है तुम्हारे खजाने में, तुम कितना भी लुटाओगे खजाना खाली होने वाला है। लक्ष्मी बैठ गई है चौकड़ी मार करके, लुटाते जाओ, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते। ये ब्रज का वैभव, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी बूढ़ी माताएं जसोदा मैया को आशीर्वाद देने आती हैं, लाला का दर्शन करने आती हैं, तो यशोदा मैया उनके पैर पड़ती हैं, पैर छूती हैं, आशीर्वाद दो ये लाला बुढ़ापे में तुम सबके आशीर्वाद ते ही भयो है, नहीं तो ऐसे बुढ़ापे में कोई लाला होवे? अरे तुम सबन ने आशीर्वाद दियो तभी मेरे घर में लाला को जन्म भयो है। बड़ी बूढ़ी माताएं यशोदा मैया को आशीर्वाद देती हैं, और यशोदा मैया उनके पैर छूती हैं। अब बहू कोई सास के पैर पड़े तो कैसे पैर छूती हैं? आप लोगों के यहाँ तो इतना नहीं है, हमारे यूपी में आओ, राजस्थान में आओ, देखो महाराज कैसे बहू सास के पैर छूती है। घुटनों से नीचे तक बार बार दबाएगी, फिर ऊपर तक, फिर नीचे तक, फिर ऊपर तक, फिर नीचे तक, कई बार ऊपर नीचे सारती है। कहीं कहीं तो हम भी जाएं ना तो बहुएं, घर की जो बहुएं होती है ना, वो हमारे भी जैसे घरों में जाते हैं मिलने के लिए। पकड़े बाबा की उंगलियां।
जुग जुग जीवे रे जसोदा मैया तेरो लैला। आशीर्वाद देती है, बधाइयां गाती है, उत्सव मनाया जाता है, प्रतिदिन उत्सव मनाया जा रहा है, हर दिन उत्सव। बालक जन्म लेता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, पर लाला के जन्म का उत्सव ऐसा मना कि नंद बाबा भूल ही गए, बस उत्सव ही हो रहा है। बधाई लेके लोग आते हैं, बाबा मैया बधाई में कुछ ना कुछ उनको देते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, ये तो ब्रज की कथा है, पर कल आपने वो कथा तो छोड़ी दी। वसुदेव जी बालक को सुला गए, कन्या को ले गए, फिर वहां क्या हुआ? वो बात अधूरी रह गई, थोड़ा उसको भी पूरी करो महाराज। तब भगवान शुकाचार्य कहते हैं, राजा परीक्षित से, राजन वसुदेव जी जब कन्या को लेकर के गए, मथुरा नगरी में प्रवेश किया, सारे ताले बंद हो गए, हाथों की हथकड़ियां लग गई, पांव की बेड़ियां लग गई। वो कन्या उच्च स्वर करके रोने लगी, दासियों ने सूचना दी आठवें बालक का जन्म हो गया। कंस दौड़ करके गया और जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, ये तो बालक नहीं बालिका। पर संकेत तो किया था आकाशवाणी ने कि बालक होगा, ये तो बालिका होगी। ओहो, लगता है इसमें भी देवताओं की कोई ना कोई चाल है, छोड़ूंगा नहीं इस कन्या। हाथ में उठा करके जैसे ही धरती पर पटकना चाहा कि वो कन्या हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर अष्टभुजाधारी देवी का रूप धारण कर लिया। रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो वृक्ष 84 कोस में जन्म ले चुका है। कह करके वो कन्या अंतर ध्यान हो गई। कंस को टेंशन हो गई, तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, मंत्री आदि गणों को बुलाया, सारा वृत्तांत सुनाया। मंत्री कहते, चिंता मत करो महाराज, बोलो नंद के लाला की जय हो। आप तो आदेश दीजिए, कलष्टमी तिथि की रात को जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा, हम उन सब बालकों की हत्या कर देंगे, आपका काल भी मारा जाएगा। आदेश दिया कंस ने, संतों का अत्याचार, गायों पर अत्याचार, संतों का निरादर तिरस्कार, छोटे छोटे बालकों की हत्या करना। सैनिक लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं, महात्माओं को पकड़ पकड़ करके कारागार में बंद कर देते हैं, कोड़े बरसाते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति के सिर पर मौत मंडराती है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कि बहिरंतः पुर द्वार सर्वा पूर्व वदा व्रता, ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। आदेश तो दे दिया है, मार दो, बाल हत्या करो, अधर्म कर रहा है कंस। क्यों? सिर पर मौत जो मंडरा रही है, अब जिसका काल ही प्रकट हो गया है, ज्यादा दिन थोड़ी है इसके पास, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मानव की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वो अपने से बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करता है, निरादर करता है। और जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का अपमान करता है, उसकी चार चीजें घट जाती है। कि आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि सर्वा पूर्व वदाव्रता। आयुर्विद्या यशो बलम, ये चार चीजें घटती हैं,
जो भी व्यक्ति अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करता है, निरादर करता है, उसकी आयु क्षीण होती है, उसकी विद्या क्षीण होती है, उसका यश नष्ट होता है, उसका बल नष्ट होता है, यहाँ तक कि उसका लोक और परलोक भी नष्ट हो जाता है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। आप 3 घंटा कथा सुने, 4 घंटा कथा सुने, आप रोज मंदिर जाएं, आप 1 लोटा जल क्या 108 लोटा जल भोले बाबा पर चढ़ाएं, लेकिन यदि घर में आपके बुजुर्ग प्रसन्न नहीं है तो शिव स्नान का कोई मतलब नहीं है, सत्संग का कोई फायदा नहीं है। हमारे घर का बुजुर्ग हमसे प्रसन्न हो ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। किन किन के बच्चे रोज सवेरे उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, जरा हाथ खड़े करो। क्या हुआ? देखो 2-4 हाथ खड़े हुए हैं। क्यों भाई? जब बच्चे प्रणाम ही नहीं करते हैं कि वो धार्मिक बने, आप चाहते हैं कि वो भगवान की पूजा करे, तो सबसे पहले बालक को मातृ पितृ पूजा भक्त बनाइए। जब तक बच्चा अपने माता पिता की पूजा नहीं कर सकता, वो भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले बालक को मातृ पितृ भक्त बनाइए। छोटा बच्चा है, आप उसको सिखाइए कि वो सवेरे उठे तो सबसे पहले उसका काम है वो अपने माता पिता को प्रणाम करे, बुजुर्गों को, दादी हो, दादा हो, ताऊ हो, जो भी घर में बड़े हो सबको प्रणाम करे। ये उसका रूटीन बनवाइए। भले ही वो नहीं जानता कि प्रणाम करने से क्या होता है, आप उसको कहिए कि तेरी ड्यूटी है। जैसे रोज सवेरे उठ करके आप उसको ब्रश करना सिखाते हैं, आप मुख धुलना सिखाते हैं, आप उसको दुग्ध पिलाते हैं, स्कूल के लिए तैयार करते हैं कि तुझे जाना ही पड़ेगा, तो एक और काम ऐड कर दीजिए कि सवेरे उठे तो सबसे पहले तुझे माता पिता को प्रणाम करना है। छोटा सा बच्चा, बड़ा होकर नहीं सीखता ध्यान देना। आप सोच, बहुत से लोग कह देते हैं ना, बहुत सी माता बड़ा होकर करेगा, अभी छोटा है, छोटा ही नहीं करेगा तो बड़ा कहां से करेगा। आदत तो शुरू से डालनी पड़ेगी। बालक संस्कारी बने ये कर्तव्य है, ये उसकी माँ की देन है। बच्चा यदि गुणवान है ये उसकी माँ की देन है। हम स्त्रियों पर बहुत बड़ा कर्तव्य होता है ध्यान देना। पुरुष तो पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष ही पढ़ता है, और अगर माँ पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। कन्या यदि पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, क्योंकि कन्या के हाथों में ही तो है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेगी। जब माँ बनती है तो उसको परिवार कैसे चलाना है ये स्त्री के हाथ में। इसलिए बच्चा संस्कारी बने ये हमारी देन है। हम चाहे क्या नहीं कर सकते। कोई कहे नहीं करता, कैसे नहीं करेगा, आप कोशिश तो कीजिए, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा नहीं करता, अरे 2 दिन नहीं करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल नहीं, कभी ना कभी तो उसको दिमाग में लगेगा कि मुझे करना चाहिए। और ध्यान देना, अगर आप चाहते हैं कि बालक कुछ करे तो बच्चे कहने से नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कुछ करे तो बच्चे कहने से नहीं करते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। आप कहेंगे तो वो नहीं करेगा, हो सकता है शायद नहीं माने, क्योंकि बच्चे हटीले होते हैं, स्वभाव है उनका। बहुत सी माताएं आती है ना, बोले ब्यास जी ऐसा आशीर्वाद दो, ये बड़ा उद्यमी है, बच्चा बड़ा शैतान है। अरे मैया, बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो हम आप थोड़ी करेंगे, वो उद्यम नहीं मचाएगा तो हम और आप थोड़ी मचाएंगे। उसका काम है, उसका स्वभाव है, वो हट करेगा ही करेगा, वो शैतानी करेगा ही करेगा, पर आपको देखना है कि उसकी शैतानी में से कैसे आप उसको संस्कार दे सकते हैं।
ये आपका कर्तव्य है। इसलिए कहो मत, बच्चे को दिखाओ, वो जो देखेगा वो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको प्रणाम करे, तो आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं, आप उनको प्रणाम करिए। आप अपने बच्चों के सामने अपने बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए। देखो बच्चा एक दिन देखेगा, दो दिन देखेगा, चार दिन देखेगा, एक न एक दिन वो भी आपको प्रणाम करेगा। वो देखने पर करता है, करने पर नहीं, कहने पर नहीं। आप जो करेंगे वो देखेगा। वो एक माता जाती है ना ट्रेन में अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, सीट पर आकर बैठी है, हाथ में मोबाइल लगा है, बच्चा गेम खेल रहा है। उसके सामने वाली बर्थ पर भी एक स्त्री बैठी है, उसका भी छोटा सा गोपाल, लेकिन वो किताब पढ़ रहा है। तो फोन वाली माता ने उससे पूछा, सामने वाली स्त्री से, अरे बहन, तूने कौन से संस्कार अपने बच्चे को दिए कि देख ट्रेन में बैठा भी पढ़ रहा है, किताब लेकर बैठा है। देखना मेरा बेटा तो फोन लेकर बैठा है, पढ़ता ही नहीं है, बस स्कूल जाए तो जाए, बाकी हर समय फोन चाहिए। वो सामने वाली बर्थ पर बैठी थी वो माता, जो जिसका बच्चा किताब लेकर बैठा है, वो कहती है, मैंने कोई संस्कार नहीं दिए, मैंने कोई शिक्षा नहीं दी अपने बच्चे को कि तू किताब लेकर बैठ। मैंने नहीं कहा कि तू किताब ले, मैंने नहीं कहा कि तू ट्रेन में बैठकर पढ़। बोले फिर कैसे, कितना समझदार बच्चा, अपने आप खुद से ही पढ़ रहा है। वो कहती है, नहीं मैंने कहा नहीं, मैंने करके दिखाया। तुम्हारे हाथ में फोन है, इसलिए तुम्हारा बेटा भी फोन देख रहा है, परंतु मैं किताब लेकर बैठी हूँ, इसलिए मेरा बेटा भी किताब लेकर, मैं पढ़ रही हूँ इसलिए वो भी पढ़ रहा है। क्योंकि बच्चा कहने पर नहीं करता, वो देखने पर करता है। आप कीजिए जो बच्चों के जीवन में आप चाहते हैं, अपने जीवन देना। कौन झुकता है? जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं वो झुकता है। नमन्ति गुणनो जनाः, जो व्यक्ति गुणवान होता है वो झुकता है। और कौन अकड़ता है? शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अकड़ता कौन है? या तो सूखी लकड़ी अकड़ती है, और या शमशान में मुर्दा अकड़ता है। सूखी लकड़ी को आप झुकाने का प्रयास करो, टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। और शमशान में पड़ा मुर्दा भी आप उसको झुकाने का प्रयास करो, मुर्दा झुकेगा नहीं, झुकेगा। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो मूर्ख है वह झुकता नहीं है, अकड़ के रहता है। जिस वृक्ष में फल ज्यादा है वो झुकता है, जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा है वह झुकता है। तो यदि आप झुकना जानते हैं तो आप समझ लीजिए कौन सी कैटेगरी में हैं। और यदि आप अकड़ कर रहते हैं तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए झुकिए, प्रणाम करना सीखिए। परसों हम गए थे दर्शन करने के लिए मार्कंडे मुनि के मंदिर में, बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान, बड़ा ही सुंदर मनमोहक स्थान। आपने सुना है मार्कंडे के बारे में? मृकंडु ऋषि के पुत्र थे मार्कंडे। बालक अल्पायु लेकर के जन्मा, छोटी आयु लेकर के जन्मा। ऋषि को टेंशन हो गई, बालक आया तो है पर आयु ज्यादा नहीं है, कौन सा व्रत, कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पूजा, कौन सी तपस्या, क्या ऐसा करवाऊं जो मेरा पुत्र लंबी आयु जीवन जिए। बहुत कुछ सोचा मृकंडु ऋषि ने, छोटा बच्चा है, ज्यादा बड़ा व्रत या अनुष्ठान या तप साधन नहीं कर सकता, तो छोटा बच्चा है ना, तो ऐसा काम करवाना चाहिए जो बालक आसानी से कर ले। जा रहे थे, नारायण का साथ है,
जैसे ही गुजरने लगे, मार्कंडे की तो आदत थी सामने से महात्मा को आते देखा, बस उसने जाकर प्रणाम किया। जैसे ही नारद जी को प्रणाम किया, मुख से आशीर्वाद निकल गया, दीर्घायु भव। तो नारायण मुस्कुरा गए। नारद जी बोले, हंसने की तो बात नहीं थी, आप क्यों हंसे? कोई मजाक तो हो नहीं रहा था, प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया। नारायण कहते हैं, हंसी इसलिए आ गई, जिस बच्चे को दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया है, अल्पायु लेकर के जन्मा है, जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे ही पिताजी ने इसकी कुंडली बनाई है ब्रह्मा जी ने, अब ब्रह्मा के वचन को तुम टालोगे क्या? नारद जी बोले, ऐसा है क्या? बोले हाँ बिल्कुल, पूछो जाके पिताजी से क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है? नारद जी बोले, आशीर्वाद तो दे दिया, अब महाराज नारद का वचन भी रद्द तो नहीं हो सकता ना, नारद का वचन झूठा कैसे? आशीर्वाद तो मिल गया, दीर्घायु भव। नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और पिताजी से कहा, पिताजी चलिए थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, चलो। जंगलों में भ्रमण करने लगे तो रास्ते में विचरण करते करते वही मार्कंडे के आश्रम के सामने से जब गुजरने लगे तो मार्कंडे दौड़ा दौड़ा आया, बालक का तो स्वभाव, वो दौड़ करके गया और ब्रह्मा जी को भी जाकर प्रणाम किया। जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, बोले चिरंजीवी भव। बड़ा सुंदर बालक है, गुणवान बच्चा है, देखो संस्कार, देखो प्रणाम नतमस्तक होता है। तब नारद जी मुस्कुरा गए। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? नारद जी बोले, पिताजी गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा जी बोले, क्यों, क्या हुआ? अरे गड़बड़ क्या है, बच्चे ने प्रणाम किया, हमारा काम आशीर्वाद देने का है। नारद जी बोले, कैसे? आपने ही इसकी कुंडली में अल्प आयु लिखी है, फिर आप इसको चिरंजीवी कैसे बना सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, मतलब? बोले बिल्कुल, देखो अल्पायु। ब्रह्मा जी बोले, अब आशीर्वाद तो दे दिया, हे भोलेनाथ कृपा करो, कोई तो प्रक्रिया, कोई तो व्यवस्था बनाओ, आशीर्वाद तो मिल गया पर कुंडली में तो लिखा है कि अल्पायु। अब जिसे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया हो चिरंजीवी भव, आयु समाप्त हुई, धर्मराज के दूत पकड़ने के लिए आए, मार्कंडे दौड़ करके गया भगवान शंकर के मंदिर में और जैसे ही धर्मराज के दूत उसको ले जाने लगे, शिवलिंग को पकड़ करके जोर से रोता है, जोर कर लिया है और इस प्रणाम से ये अल्पायु नहीं, इतनी लंबी आयु जीवन जिएगा, इतना लंबा जीवन जिएगा महाराज कि प्रलय का भी दर्शन मार्कंडे करेगा। पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि जल विलीन हो जाएगी, उस प्रलय का भी दर्शन मार्कंडे ने किया। कैसे किया? सिर्फ प्रणाम करने से, सिर्फ नमन करने से। कर्म हमारे भाग्य को भी बदल देता है, ध्यान देना। आज का अच्छा कर्म ही कल का सद्भाग्य बनता है और आज का बुरा कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। ध्यान देना, पृथ्वी गोल है, चीजें घूम कर आती हैं। आप जो भी दुखी रहता है, परेशान रहता है, ध्यान देना वहां परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहला कर्म, सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहली पूजा हमारे बुजुर्गों की, हमारे माता पिता की, परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कंस तो कर रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, संतों पर अत्याचार कर रहा, गाय पर तिरस्कार, बुजुर्गों का अनादर, छोटे छोटे बालकों की हत्या, तभी वहां पर पूतना आती है और कंस से कहती है, भैया क्यों चिंता करते हो? छोटे बच्चों को मारना है,
मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं मार दूंगी। कैसे मारोगी? अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके जाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने बच्चे को जहर का पान करा दूंगी। कंस ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, चली जाओ। गोकुल में अष्टमी तिथि की रात को बहुत से बालकों ने जन्म लिया है, तुरंत जाओ। चल पड़ी है पूतना बालक को विषपान कराने के लिए। सुंदरी बनकर जाती है, ध्यान देना, राक्षसी है, कुरूप है, लेकिन जा रही है तो सुंदरी बनकर। गोकुल में प्रवेश किया है पूतना ने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़ा थोड़ा आगे और खिसक आई है, आगे जगह है, थोड़ा थोड़ा हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोकुल में प्रवेश किया है पूतना ने, सुंदरी बन करके प्रवेश किया है। उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पालने में सुलाया है कन्हैया को और ब्रजवासी नृत्य गान कर रहे हैं। जैसे ही पूतना ने वहां पर प्रवेश किया तो कहते हैं ऐसी सुंदरी बन करके पूतना आई थी कि जितने भी ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, वो सब कन्हैया को तो भूल गए, पूतना को ही टकटकी लगा कर देखने लगे। ऐसी सुंदर रूप धारण करके आई, छम छम करती हुई पूतना प्रवेश करती है। सब ग्वाल बाल टकटकी लगा करके पूतना को देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक ग्वाल दूसरे से बोला, अरे भैया सुन, मेरी मैया मोते रोज कहवे तू ब्याह कर ले, तू ब्याह कर ले, पर अब तक वो कोई छोरी पसंद ही ना आई। ये जो आई है ना गोपी, अभी जाके अपनी मैया ते कहूं, मैया जाई गोपी ते मेरे ब्याह की बात चला। ये बड़ी सुंदर है। कन्हैया पालने में लेटे लेटे देख रहे हैं, देखो देखो अभी तक तो मेरे आसपास गान कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जे पूतना ऐसी कहा आ गई कि मोए तो भूल ही गए और याई को देखन लगे। पुरुषों की तो छोड़ो, पूतना को देखकर स्त्रियां भी मंत्रमुग्ध हो गई। गोपियां भी कहती हैं कितनी सुंदर है, कहां से आई है, देवलोक की अप्सरा है क्या, इतनी सुंदर स्त्री। पूतना ने एक गोपी से पूछी, अरे वो बता सको नंद महल को मार्ग कहाँ है, नंद महल जानो चाहूं। जैसे ही गोपियों ने वचन सुने आपस में बोली, देखो देखो सुंदर तो है ही। ब्यास जी भी उसकी तरफ देखें, श्रोता भी उसकी तरफ देखें, कथा में विघ्न डले। ब्यास जी को भी विघ्न पड़े, श्रोताओं को भी विघ्न पड़े, ये भैया कोई और नहीं, ये पूतना का ही स्वरूप है। जो भी स्त्री, जो भी पुरुष सत्संग में, कथा में, भजन में विघ्न डालता हो वो पूतना ही है। भगवान से ध्यान हटा दे जो, वो पूतना नहीं तो और कौन है। पूरा ब्रज कृष्ण को देख रहा है, लेकिन जैसे ही पूतना आई तो ब्रजवासी भूल गए कन्हैया को, पूतना कोई देखने लगे। नंद महल के द्वार पर पहुंची मैया, ओ मैया। जसोदा मैया ने द्वार खोला, मैया मैं तेरे लाल को दर्शन करवे आई हूँ, सुनो है बड़े सुंदर लाला ने जन्म लियो है तेरे यहाँ, बड़ो ही सुंदर है, जो एक बार देखे वो टकटकी लगा के देख तो ही रह जाए। भाषा समझ में आ रही है, ये ब्रज भाषा है हमारे यहाँ की, और लीलाएं तो ब्रज भाषा में ही अच्छी लगे। नहीं समझ में आएगा सिर मत हिलाना, मैं समझ जाऊंगी, फिर मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ, तुम सबके आशीर्वाद से ही मेरे घर में लाला को जन्म भयो है। गोपी बोली, पूतना बोली, तो मैया दिखा अपने लाला को, दर्शन तो करा। हाथ पकड़ करके मैया लेकर गई पालने के पास में, आसन लगा दियो, बैठ तू लाला को दर्शन कर। पूतना बोली, मैया मोकु वरदान प्राप्त है, मेरे स्तनंते हर समय अमृत टपके। मैं तेरे लाला को दुग्ध पान स्तन पान कराना चाहूं, तो तेरो लाला भी अमृत पी के अमर है जाए। मैया बोली, जी बात तो बड़ी अच्छी, पालने से कन्हैया को उठाया और पूतना की गोद में दे दिया। अब मैया कहा जाने कि ये दूध पिलाने आई है कि विस्पान कराने आई है। मैया बोली, गोपी तू लाला को स्तन पान करा, मैं थोड़ो अतिथि सत्कार करके आऊं, घर में थोड़ो संत महात्मा पधारे हैं, उनको देख के आऊं, तू लाला को ध्यान रखे। पूतना ने जैसे प्रभु को गोद में लिया और अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, तो कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों कर लिए बंद? पूतना को देख के डर गए क्या? तो डरना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि सुंदरी बन कर आई थी, राक्षसी तो बन कर आई नहीं। फिर क्यों नेत्र बंद किए? भगवान बताना चाहते हैं, तू अपनी सुंदरता से इस जगत को मोहित कर सकती है, पर मुझे मोहित नहीं कर सकती। तू ये जो भेष बदल कर आई है, ढोंग करके आई है, मुझे ये ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो उसी व्यक्ति को चाहता हूँ, व्यक्ति जैसा है वैसा ही मेरे समीप आवे। भेष बदलने की क्या जरूरत है? काले हो तो काले बन कर जाओ, गोरे हो तो गोरे बन कर जाओ। क्रीम पाउडर पोतने की जरूरत नहीं है। हम लोग दिखावा जो करते हैं ना, ढोंग करते हैं, घर में तो कभी राम राम नहीं बोलेंगे, और मंदिर जाएंगे तो ऐसे भगत बनेंगे महाराज, होता है ना कुछ लोगों का स्वभाव, ऐसे घंटा घड़ियाल सब बजाएंगे कि जाने कितने भजनानंदी हैं। और वैसे कभी किसी का हित नहीं चाहते, गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आसी पड़ोसियों को देख नहीं सकते, घर में क्रांति मचा कर रखी है। और कहीं कथा में जावे, सत्संग में जावे, मंदिर में जावे, तो ऐसे जोगी बनकर जाएंगे। कोई भी हो सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष। दिखावा करने, ढोंग करना, भगवान कहते हैं ऐसे ढोंगी व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। आप जैसे हैं वैसे बनकर आइए, अच्छे हो तो अच्छे बनकर आओ, बुरे हो तो बुरे बनकर आओ, मैं जैसे आप हो वैसा ही स्वीकार करूंगा। भेष बदल कर आओगे तो मुझे भाता नहीं है। पूतना से कहते हैं, अगर तू राक्षसी थी तो राक्षसी बनकर आती, शायद मैं तुझे देख लेता, पर तू ये सुंदरी का रूप क्यों धर कर आई? और ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति समाज को भले ही मोहित कर ले, पर भगवान को मोहित नहीं कर सकता है। हम लोग भले ही मोहित हो जाएं, हम तो कहेंगे देखो देखो कितना बढ़िया आदमी है, देखो क्या भजनानंदी है, क्या भगत है, पर भगवान नहीं रीझते हैं। जगत भले ही रीझ जाए, पर कृष्ण नहीं रीझते। नेत्र बंद कर लिए, भगवान कहते मैं तुझे देखूंगा ही नहीं, क्यों देखूं? तू ढोंग करके आई है। दूसरी बात, कृष्ण ने नेत्र बंद किए, क्यों किए? क्योंकि पूतना आई है विषपान कराने। भगवान कहते हैं, अभी अभी मेरा जन्म हुआ, ठीक से दूध पिया नहीं, माखन खाया नहीं, मिश्री खाई नहीं, ये आ गई कड़वा कड़वा जहर पिला नहीं, तो कैसे पीऊंगा? तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दवाई नहीं पीते हैं, कड़वी है तो माँ कहती है ना, आंख बंद करके पी जा, तो ऐसे ही भगवान नेत्र बंद करके विष को दवाई समझ करके पीने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तीसरा भाव, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? पूतना आई है विषपान कराने के लिए, और विषपान कौन करता है? कौन करता है?
भोले बाबा समुद्र मंथन में से टनों विष निकला वो शंकर नहीं तो पिया। भोले नाथ को हम दूध से अभिषेक कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि भगवान ने जो टनों विष का पान किया था, इतना विष को एक बूंद विष पी करके देखो क्या हालत होती है। और टनों विष भगवान शंकर पी गए तो उनके शरीर में तमाम ज्वलन हुई, शरीर जलने लगा, तो उनकी पीड़ा को, उनकी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने दुग्ध से भगवान शंकर का अभिषेक किया, जिससे कि भोलेनाथ को शीतलता प्रदान हो। इसलिए तो भोलेनाथ को हम दूध से अभिषेक कराते हैं, दूध चढ़ाते हैं। इसलिए भगवान शंकर को हम जल से अभिषेक कराते हैं। सवेरे से शाम हो जाए महाराज जल चढ़ाते ही रहते हैं, चढ़ाते हैं। ऐसा और कोई देवता है जिसको पूरे दिन जल चढ़ाया जाता है? नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान। कई भाव बताते हैं संत, भाव कुछ भी रहा हो, आखिर में भगवान ने नेत्र बंद तो किए ही। पूतना पयोधर मुख में देती है दुग्ध, दुग्ध पीते हैं कृष्ण, विष का पान करते हैं शिव शंकर। और जैसे ही पूतना के स्तनों से दुग्ध भी खत्म, विष भी खत्म, तो भगवान ने सोचा अब क्या पिए, तो भगवान पूतना के प्राणों को ही पीने। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्तु चितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। पूतना के प्राणों को हर रहे हैं, काल कूट विष लगा करके आई थी पूतना। भगवान ने दुग्ध का पान किया, विष का पान किया, और जब सब खत्म तो भगवान प्राणों का पान करने लगे। छटपटाने लगी पूतना, भागने लगी पूतना, और जैसे ही छटपटाई तो कृष्ण को गोद में लेकर के आकाश में उड़ गई। अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। कन्हैया बोले कैसे छोड़ दूं, मेरी जसोदा मैया ने मोए पकड़नो सिखायो है, छोड़नो ना सिखायो। जल्दी ते काई को पकड़ू ना, और जाकू एक बार पकड़ लू फिर जल्दी ते छोड़ू ना, फिर तो उद्धार करके ही छोड़ू। चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई पूतना। भगवान ने एक ना सुनी, पूतना के प्राणों को हरा। जीव मर्मणि नेत्रे चरणं छिपती होती है, रुदन करती है, फिर भी प्रभु ने एक ना सुनी, प्राणों को हरा, और धड़ाम से पूतना धरती पर आकर गिरी। जैसे ही गिरी तो कहते कितने बाग बगीचों को तो अपने शरीर के नीचे ही दबा गई। लंबी चौड़ी पूतना थी, हष्टपुष्ट तंदुरुस्त शरीर था उसका, पीठ के बल गिरी, छाती के बल नहीं गिरी। क्यों? छाती के बल गिरती तो गोद में भगवान लगे हैं, भगवान दब जाते, भगवान को कष्ट होता, इसलिए पीठ के बल गिरती है पूतना। भागवत में वर्णन आया है, छह कोस लंबा पूतना का शरीर था। छह कोस लंबा माने 18 किलोमीटर लंबी, तो भागवत जी में वर्णन है। अब सोचो इतनी लंबी थी तो चौड़ी भी होगी, दुबली पतली थोड़ी थी, खाते पीते घर की थी, राक्षसी थी भैया। कितने बड़े बड़े बगीचों को नीचे दबा गई, वृक्षों को नीचे दबा गई। भगवान वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं, प्राणांत हुआ है पूतना का। ग्वाल बालों ने, मैया जसोदा ने ये दृश्य देखा, मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ग्वाल बालों की नजर पड़ी तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ग्वाल बाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर और कन्हैया को नीचे उतारा, मैया की गोद में दिया। मैया के ऊपर जल के छींटे मारे, गोपियों ने मैया के नेत्र खुले, क्या देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, अंक में भरा लाला को। बड़ी बूढ़ी माताएं आई, बोली जसोदा ऐसो लगे तेरे लाला को काई की नजर लग गई है, तभी तो जी राक्षसी लेके तेरे लाला को उड़ गई। मैया बोली तो कहा करूं, बोले करनो कहा है चल गौशाला में चले और लाला की नजर उतारे। किस किस के घर में गाय है जरा हाथ खड़े करो, दो चार घरों में। और भैंस किस किस के घर में है?
करो हाथ खड़ा। ज्यादातर घरों में होंगी है ना, तो गाय क्यों नहीं है? अरे जब भैंस पाल सकते हो तो एक गाय भी पाल लो, क्यों नहीं पाल सकते हम लोग? क्यों नहीं बोले गाय दूध कम देती है इसलिए नहीं पालते, भैंस दूध ज्यादा देती है। पर ध्यान देना, घर में गाय होना किसी की व्यवस्था नहीं है, वह नहीं कर सकता है, बात अलग है। लेकिन यदि आपके यहाँ पर आपने पशु रखे हैं तो एक भैंस या दो भैंस है तो एक गाय भी आप रख सकते हैं। गाय दूध थोड़ा देती है लेकिन उसका थोड़ा दूध भी बड़ा पौष्टिककारी होता है, गुणकारी होता है। गाय के दूध में स्वर्ण कण पाए जाते हैं, अगर आपको पता हो तो। आपने आप देखना, भैंस का दूध रखो और गाय का रखो, उसमें थोड़ा सा उसका रंग पीला दिखाई पड़ेगा। पीला क्यों होता है? स्वर्ण कण पाए जाते हैं गाय के दूध में, इसलिए वो गुणकारी होता है। अगर आपके घर में गाय है तो आप अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाइए और बचपन से बच्चे को गाय का दूध पिलाइए, फिर उस बच्चे की बुद्धि देखिए। भैंस का दूध पिलाओगे तो बच्चे कैसे होंगे? भैंस की तरह ठस बुद्धि वाले। और गाय का दूध पिलाओगे तो बच्चे तेज स्फूर्ति वाले, शार्प माइंड होंगे, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन, वैसी बुद्धि। गाय अगर घर में है, अब मैं गाय के फायदे बता रही हूँ आपको। गाय अगर घर में है और आपके घर में छोटा बच्चा है, उसको नजर लग जाती है, तो आप अपनी गौशाला में लेकर जाइए और गाय की पूंछ से उसको झाड़ा लगा दीजिए। 7 बार झाड़ा लगा दो, बच्चे की नजर उतर जाती है। और कुछ आप करो चाहे नहीं करो, गाय का दूध पौष्टिक है। जिस घर में गाय है तो हम गृहस्थी लोगों का धर्म है, गारिस्त जीवन का धर्म है, नियम है क्या? पहली रोटी गाय की, आखिरी स्वान की, है ना? अगर आपके घर में गाय है तो आप पहली रोटी गाय के नाम की निकाल सकते हैं, गाय को पवा सकते हैं। अगर आपके घर में गाय है तो गाय में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं। सवेरे उठकर आप गौशाला में जाकर अपनी गाय का दर्शन करते हैं तो सिर्फ एक गौ का दर्शन करने से इतने सारे देवी देवताओं का दर्शन करने का फल आपको मिलता है। अब आते हैं दूसरी बात। गाय यदि आपके घर में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपके आसपास कोई गौशाला हो तो आप वहां जाकर के गाय की सेवा कर सकते हैं। हम सनातन धर्मी व्यक्तियों को, हम वैष्णवों को, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने धन में से कुछ हिस्सा गौ सेवा में लगाएं। जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लगाना चाहिए। आप नियम बना लीजिए, अपने घर में एक गुल्लक रखिए गाय के नाम की, सिर्फ गाय के नाम एक गुल्लक रखो। और जो भी आपकी महीने की आमदनी है, मैं नहीं कहती आप 1,000, 10,000, 5,000, 50,000, 1,00,000 निकालो, जो भी आपकी महीने की तनख्वाह है उसका दशांश भाग, अगर 100 रुपया आपके आप महीने में कमाते हैं तो 10 रुपया आप गौ के नाम का उस गुल्लक में डालिए। महीने में 6 महीने में एकत्रित जब धन हो जाए आप उसको गौशाला में जाकर के दान दीजिए, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। क्यों जरूरी है? आप कहेंगे भाई गौशाला जिसने खोली वही चलाए, हमारा क्या मतलब? ऐसा कहना मूर्खता है। गाय हमारी माता है, साक्षात पृथ्वी का अवतार है गौ माता। गाय की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। नंद बाबा के घर में 9 लाख गौएं थी, गौशाला थी, भैंसशाला नहीं थी उनके यहाँ। वो गायों की सेवा करते थे, भैंस की नहीं। कन्हैया ने बचपन से गाय का दूध पिया, भैंस का नहीं पिया, ध्यान देना।
हमारे ठाकुर को भी भोग लगता है। अब परिस्थिति नहीं है किसी के यहाँ, वो बात अलग है, लेकिन हमारे ठाकुर पान करते हैं तो गाय के दूध का ही पान करते हैं, क्योंकि उन्होंने भैंस का कभी पिया ही नहीं, गाय का दूध पिया, इसलिए वही भाता है। अब भैंस का भी दूध आप भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी मना तो नहीं करेंगे, पर पाएंगे नहीं, ध्यान देना, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो वस्तु अच्छी लगती है वो वही पाएगा। अब मेरे घर मुझे कोई अपने घर में बुलाता है भोजन के लिए, निमंत्रण के लिए, बहुत से लोग पूछेंगे ब्यास जी क्या बनाए भोजन में, तो मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है, मैं कहूंगी बनाओ। अब कोई पूछ ले तो भैया बता देते हैं, बना लेता है। अब कोई नहीं पूछता, निमंत्रण रखा है और घर में बुलाया, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो महाराज भिंडी बना दी, अरबी बना दी, अब वो भाती नहीं है। अब भोजन करने किसी के यहाँ जाएंगे तो पाना तो पड़ेगा, पाएंगे तो सही, लेकिन प्रसन्न मन से नहीं पाएंगे ना। पाएंगे तो जरूर, पेट तो भरेगा, लेकिन वो खुशी नहीं आएगी। हाँ पनीर होता तो प्रसन्न मन से पाया जाता, हा तृप्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे ठाकुर को भी गाय के दूध का भोग लगाया जाता है, उनको वो प्रिय है, तो आप वो भोग लगाएंगे तो मेरे गोविंद प्रेम से तृप्त होकर के पाएंगे। भैंस का दूध भोग लगाओगे पा लेंगे, पर उतना मन प्रसन्न होकर नहीं पाएंगे। तो गाय होगी तो आप लगा सकते हैं, इसलिए गौ सेवा बहुत आवश्यक है। आप गौ की सेवा करते हैं तो ध्यान देना, कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं, भगवान आपसे खुश होते हैं। कृष्ण स्वयं गौ सेवा किया करते थे, इसलिए हम भगवान को रिझाते हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई गाय आ गई तो हम उसको डंडा मार देते हैं, हम उसका सत्कार नहीं करते, तो हमें नहीं लगता कि कन्हैया हमसे प्रसन्न होंगे भी। गौ सेवा अति आवश्यक है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आपके घर में है तो अच्छी बात, नहीं भी है तो आसपास कोई भी गौशाला हो वहाँ जाकर के आपको सेवा करनी चाहिए। कल हम लोग भी गए थे दर्शन करने के लिए कुठेड़ा में, जो गौ सदन बना हुआ है, बड़ी ही सुंदर, बड़ा रमणीय स्थान और बड़ा मन लगा वहाँ पर। वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर भी बन रहा है, आप लोगों को जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। और वो गौशाला किसी की पर्सनल नहीं है, जैसा कि हमको बताया गया, आप सबके सहयोग से वो गौशाला बन रही है, आप सबके सहयोग से ही वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर भी बन रहा साधन। ऐसा भी मन में नहीं मानना चाहिए, बहुत से लोग ये सोच लेते हम 100 रुपया देंगे या 50 देंगे या उसे क्या होगा, 500 देंगे क्या होगा, क्या पता आपके थोड़े से धन से किसी एक गौ माता को एक वक्त का भोजन मिल जाए, किसी एक गौ माता को एक वक्त की उसकी भूख मिट जाए और वो तृप्त हो करके आपको कौन सा आशीर्वाद दे दे। इसलिए अपनी सेवा गौ के नाम पर, भगवान के नाम पर जरूर कीजिएगा। हमसे भी जो बन पड़ेगा वो हम भी सेवा करेंगे, बाकी तो हम करने वाले देखो होते कौन है, उसी का दिया हुआ है, हमारा तो है। बुढ़ापे में बेटा बाप को रोटी खिलाता है और बेटा कहे कि देखो देखो मैं खिला रहा हूँ, है ना। बुढ़ापे में कोई बेटा अपने बाप को रोटी खिलाए और वो अहंकार में भर कर कहे कि मैं खिला रहा हूँ, अरे तू क्या खिला रहा है, पूरा जीवन जिस पिता ने तेरे ऊपर न्योछावर कर दिया, तू क्या खिला रहा है, जो बाप ने तुझे दिया है तू उसी का उसको लौट। गायों के निमित्त जो भी आपसे बने आप वहाँ जाकर के जरूर सेवा कीजिए। बड़ा दुख होता है जब कोई भूखी गौ माता का प्राणांत हो जाता है, बड़ा दुख होता है जब कोई सड़क पर लावारिस फिरती हुई गौ माता दिखाई पड़ती है। और कितने दुख की बात है, एक लावारिस गाय जब सड़क पर फिरती है ना, वो तो कष्ट में है ही,
लेकिन रास्ते में चलने वाले गाड़ी से वाहनों से कोई जा रहे हो आ रहे हो उनको भी कितना तकलीफ होती है और कहीं गाड़ी से टकरा जाए गौ माता तो कितनी पीड़ा उसको होती है। कितने दुख की बात है अगर गौशाला है तो मैं तो कहती हूँ कि आसपास कोई भी गौशाला हो वहाँ जाकर के सेवा करो ज्यादा से ज्यादा करो और कोई लावारिस गाय दिखाई भी पड़े तो उसको भी वहाँ लेकर के जाओ और ये व्यवस्था बनाओ कि कोई भी हमारे इलाके में गाय लावारिस नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। ये हम आप सबका कर्तव्य है। कोई एक करेगा उस पर मत छोड़ो कि भाई फलाना करेगा कोई प्रधान है या समिति का है मत छोड़ो। हम सबका कर्तव्य है हम सबको करना चाहिए। गाय की सेवा हम सबका धर्म है और मेरा गोविंद प्रसन्न होता है मेरा गोपाल प्रसन्न होता है। गोपाल का नाम ऐसे ही गोपाल थोड़ी पड़ा है। गौ को जो पाले वही तो गोपाल ऐसे थोड़ी ना पड़ा है। गायों की सेवा से मेरा कन्हैया रीझ जाता है करनी चाहिए। आज यशोदा मैया झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषि केश श्वेत द्वीपपतिश्चित्तिं मनोयोगेश्वरो वत्वत्। इंद्रियाणि ऋषिकेश हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करियो। प्राणान नारायणो वतु हे नारायण मेरे कन्हैया के प्राणों की रक्षा करियो। हे श्वेत द्वीप के अधिपति मेरे लाला की मन की रक्षा करियो। और जैसे ही मैया ने नारायण का नाम लेकर झाड़ा लगाना शुरू किया तो कन्हैया मुस्कुरा गए और ब्रह्मा जी को देखते हुए बोले देखो देखो आज मैया का प्रेम तो देखो नारायण के नाम से नारायण को ही झाड़ा लगा रही है। नारायण के नाम से नारायण को झाड़ रही है। मैया नहीं जानती है ना ये कौन है तो साधारण बालक समझ रही है। बच्चे को जब भी नजर लग जाए तो यही भागवत का मंत्र बोल करके सात बार पूंछ से झाड़ा लगा दो गाय की पूंछ से बच्चे की नजर उतर जाती है। तो आइए हम भी चलते हैं गौशाला में किस प्रकार सभी गोपियां मिलकर के लाला की नजर उतार रही हैं। कौन सीने मार दियोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो री तो ना मेरा मचलो Oh,
दुर्गंध आवेगी तो फिर आपको दाह कर्म संस्कार भी करनो चाहिए, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी पूतना रस्सियंते बांध दियो और घसीटते भए जमुना के किनारे तक लेके जाओ, फिर याको दाह कर्म संस्कार। चलो लेके चलो, हाथ पाम रस्सियंते बांध दिए घसीटते भए। नंद बाबा कहते वैसे भी तो पापिनी है, या ब्रज रज में थोड़ो सो लोट लगावेगी तो कछु पाप यदि रह भी गयो होगो तो रज में लोट लगाए वेते नष्ट है जाएगा। ये हमारे ब्रज रज की महिमा है, मिट्टी नहीं है ये, ब्रज की रज जिसे देवता भी वंदन करते हैं। ब्रज की रज जिसे देवता भी शीश चढ़ाते हैं। वृंदावन की गैल में मुक्ति रही बिलखाए, मुक्ति वृंदावन की गलियों में ब्रज की गलियों में पड़ी है और रुदन कर रही है और रोती हुई क्या कहती है भगवान से, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। वो कहती है प्रभु मैं सबको मुक्त करती हूँ परंतु मेरी मुक्ति कैसे होगी, आप ये तो बताओ मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगी। तब भगवान कहते हैं कि पड़ी रहो या गैल में साधु संत चले आए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हुई जाए। इसी रास्ते में इसी राह में पड़ी रहो, इस रास्ते से मार्ग से संत आएंगे, ब्रजवासी आएंगे, दर्शनार्थी भक्त आएंगे तो चलने से उनके पैरों से जब रज उड़ेगी और तेरे मस्तक पर जाकर चढ़ेगी तो तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। ये रज की महिमा है। वृंदावन कभी जाओगे ना तो वहां से रज जरूर लेकर आना और रज ला करके अपने घर में अपने मंदिर में रखना, जहां आप पूजा करते हो
रोज उसको धूप बत्ती अगरबत्ती करना, उसकी भी पूजा करना और रोज सवेरे उसका तिलक लगाना स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर। कोई भी आपके घर का सदस्य, आपका बच्चा, आपका बेटा कोई नौकरी के लिए जा रहा है, काम धंधे के लिए जा रहा है, तो उससे कहना कि इसको प्रणाम कर और थोड़ी सी चाट करके जा, देखो उसके सारे काम बनते हैं या नहीं बनते। ये रज की महिमा है, ये वो रज है जिसको देवता भी शीश चढ़ाते हैं। इसलिए वृंदावन में, ब्रज में जब भी प्रवेश करो तो सबसे पहले उस रज को प्रणाम करो, सबसे पहले उस रज को नतमस्तक हो जाओ, वहां दंडवत करो, तब वृंदावन में प्रवेश। आज पूतना को घसीटते हुए जमुना तट तक लेकर के गए हैं, फिर उसकी चिता लगाई, दाह कर्म संस्कार किया, जली है पूतना, दुर्गंध आई है, जली पूतना तो पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, सुवासित हो गया। पूछा परीक्षित जी ने, महाराज राक्षसी थी तो दुर्गंध निकलती, सुगंध क्यों आई, ये तो राक्षसी थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राक्षसी थी लेकिन इसके जलने पर सुगंध आई। क्यों आई? क्योंकि भगवान ने इसको माता की गति प्रदान कर दी। आई थी ना जब पूतना स्तनपान कराने, तो देखो पिला तो रही है विष लेकिन काम कौन सा कर रही है, माता वाला। तो भगवान कहते हैं, जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर मेरे मुख में दिया, अब विष पिलाएगी कि दूध पिलाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन जैसे ही पूतना ने पयोधर मुख में दिया तो एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मुझे लगा कि देखो देखो ये तो माता वाला काम कर रही है, ये तो मेरी जसोदा मैया वाला काम कर रही है, ये तो देवकी मैया की तरह कर रही है। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, हमारे ठाकुर जी का पता नहीं वो कौन से गुण पर रीझ जाए। पूतना विषपान कराने आई, जहर पिलाने आई, राक्षसी बनकर आई, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको बैकुंठ में वास दे दिया। जो गति जसोदा और देवकी को बाद में मिली वो पूतना को पहले मिली। भगवान कहते एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मुझे लगा ये मेरी माँ है, बस उसी एक क्षण पर रीझ गई। कल सुन रहे थे ना हम सदना कसाई की कथा, ना जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। देखो महात्मा जी लेकर गए, उनका आतिथ्य भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया, उनकी सेवा भी ठुकरा दी। भगवान कहते हैं कि मुझे तो वही सदना के घर छोड़ाओ, जब वो एक पलड़े में मांस और दूसरे में मुझे रख करके तोलता है ना, तो उस पलड़े में लुढ़कने में जो आनंद है वो तेरी सेवा में भी नहीं है। वही गुण जिस पर रीझ गए जगन्नाथ प्रभु और सदना का उद्धार कर दिया। आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, श्रद्धा से उसके प्रति कुछ करके तो देखिए, वो रीझ जाएगा, वो प्रसन्न होगा। कुछ भी कीजिए, जो आपको गुण आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, नाचना आता है तो नाच कर जाइए, मीरा ने तो नाच कर ही ले जाए, गाना आता है तो गा कर रिझाइए। कोई भी प्रक्रिया जो आप सबसे बढ़िया जानते हैं उसकी सेवा में कीजिए। पता नहीं कौन सी बात उसे अच्छी लग जाए और वो आप पर रीझ जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार पूतना का उद्धार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, यहाँ एक बार गर्ग मुनि पधारे हैं। नंद बाबा ने गर्ग मुनि के द्वारा बालकों का नामकरण संस्कार कराया। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहत ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। रोहिणी नंदन यशोदा नंदन दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है। रोहिणी माता आपका जो पुत्र है ये संकर्षण द्वारा खींच कर दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। बलों में अत्यधिक बलवान होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम।
यशोदा मैया आपका जो पुत्र है सत्युग में इसका वर्ण शुक्ल वर्ण था, त्रेता में रक्त पीत वर्ण, द्वापर में श्याम वर्ण, इसलिए इसका नाम होगा श्याम। और एक सुंदर नाम मैं रखता हूँ कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी तरफ खींच करके आकर्षित करे उसका नाम होगा कृष्ण। आज से इसे कृष्ण के नाम से सभी जाने। जैसी जैसी लीला करेगा वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे, माखन चुराए तो माखन चोर, कालिया नाग को नाथे कालिया मर्दन, गऊ पालन करे गोपाल, जैसे जैसी लीला, कंस को मारेगा कंस मर्दन, रुक्मिणी जी से विवाह करेगा तो रुक्मिणी रमन, द्वारकापुरी का राजा बने द्वारकाधीश। और कलयुग में तो नामों की संख्या ही नहीं होगी, कोई गोविंद कोई गोपाल कोई मुरारी कोई बनवारी, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, चार जो मैंने अपनी समझ से सोच से बताए नाम रख दिया। यशोदा मैया जैसे ही जाने लगी रोहिणी माता से बोली, बहना नाम तो ऐसो धर दियो कि मैं तो ठीक से ले भी नहीं पाऊंगी। अब कृष्ण नाम तो ऐसा ही नाम है, कृष्ण बोलकर बताओ अंदर की जीभ भी पूरी लोटपोट हो जाती है। राम कोई बोले तो सीधा सीधा नाम है, राम कोई ले सकता है, पर कृष्ण शुद्ध नहीं बोल पाते हैं लोग। कृष्ण कहते हैं, किशन कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, कृष्ण ले अच्छे से बोल नहीं पाते, निकलता ही नहीं है मुख से जी भी। अभी को बूढ़ा बड़ा व्यक्ति हो, दांत ना हो, उसे कहो कृष्ण बोले तो कैसे बोले, नहीं ले पाते। राम तो सीधा सीधा है। मैया बोली, मैं तो ठीक से ले भी नहीं पाऊंगी, ऐसो करूं अपने लाला को नाम तो मैं ही धर दूं। रोहिणी माता बोली, कहा नाम धरोगी? बोले तुम्हारे लाला को नाम है बलुआ, बलराम जी के बन गए बलुआ, और मेरे छोरा को नाम है कनुआ। अब तो आसानी से ले तो पाऊंगी। जसोदा मैया ने नामकरण संस्कार खुद जो लेंगे वो कनुआ नाम धर दिया, घर में बोलने वाला। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं इस प्रकार ठाकुर जी कर रहे हैं। कहते हैं भूत भावन हमारे भोलेनाथ भी, कोई भी अवतार लेते हैं भगवान तो भोलेनाथ दर्शन ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। भोले बाबा तो आते ही आते हैं, तो भगवान शंकर भी गोकुल में पधारे हैं प्रभु के कृष्णावतार का दर्शन करने के लिए। श्रावण मास चल रहा है, भगवान वैसे तो हर दिन भोलेनाथ का है, लेकिन फिर भी ये जो महीना है इसमें शिव ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और आज तो सोमवार है ना, भीड़ लगी है भोले बाबा के मंदिर में भक्तों की, जल्दी रीझ जाते हैं बहुत भोले। मैंने एक दिन आपको सुनाया था, बड़े सरल स्वभाव के हैं, कुछ नहीं कहते, चार चिनोरी से भी खुश हो जाते हैं, बेल पत्ता से भी, तीन पत्ते का बेल पत्र उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे ठाकुर को तो बैजंती माला चाहिए। अभी बिहारी जी में जाओ तीन पत्ते से काम चल रहा है क्या? फूलों के बंगले सजे हैं, इनका थोड़ा सिस्टम अलग है, पर
और भोले बाबा बड़े सीधे बहुत जल्दी सरल भाव से मान जाते। ऐसे ही भूत भावन भगवान शंकर आए हैं दर्शन करने के लिए। वाई हम भी चलते हैं भोले बाबा के साथ में भोलेनाथ को पुकारते हुए कन्हैया का दर्शन करने के लिए। रे मैया तेरे द्वारे जसोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगिया बाला जोगिया। रे मैया तेरे द्वारे से देखे तो डर जाए। कैसा अंग बभूति गले रुंड माला शेष नाग ले बैठायो अंग बभूति गले रुंड माला शेष नाग ले बैठायो निकली नंदरानी कंचन
दरवाजे पर पहुंची, द्वार खोला, जोगी बाबा को देखा तो महाराज मैया भी थर 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 कांपने लगी। भोले बाबा का स्वरूप ही ऐसा, अरे एक सांप का बजाय महाराज तो हम डर जाते हैं। शेष नाग लिपटा है, बभूत रमी है, चिटाऊं से गंगा है, बिच्छू कातरों के तो कुंडल पहन कर आए हैं। ऐसे भोले बाबा, भैया कांपने लगी, भैया बोले लो बाबा भिक्षा लो, दूर से ही दे रही है। तो भोले बाबा दो कदम पीछे हट गए। भैया बोले क्या हुआ, ले लो ना। भगवान शंकर कहते हैं ये भिक्षा नहीं चाहिए, तेरे लाल का दर्शन करने आया हूँ। अपने लाल का दर्शन करा बस वही भिक्षा चाहता हूँ। भैया बोले ना नहीं करा सकती, अरे जिसे देखकर मैं ही डर रही हूँ, मेरे लाला तो छोटो सो बालक है महाराज, अभी अभी जन्म पाया है, पालने में सो रहे हो, वो डर जाएगा। आप तो भिक्षा लो और पधारो यहाँ से, किसी और का दरवाजा खटखटाना, जाओ यहाँ से। मैया क्या कह रही है, ले भिक्षा छोड़ दे। भोलेनाथ कहते हैं क्या,
चली तो कहते धीरे धीरे प्रभु ने रोना भी कम कर दिया।
दरवाजे पर पहुंची, द्वार खुला, भगवान शंकर को मनी मन पुकारा, कर लो दर्शन, आ गया हूँ मैं। भोलेनाथ के नेत्र खुले और जैसे ही सामने प्रभु को देखा, डम 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 डमरू नाद किया, भगवान शंकर दंडवत प्रणाम करते हुए खुशी से उछलने लगे भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान जय हो। पंचे बेर परिकरमा जोगी के पास में ले जा, कछु टोना टोटका जाने। मैया जैसे ही देखती हैं कन्हैया को मुस्कुराते प्रसन्न हो जाती। इस प्रकार भगवान शंकर को आनंदित किया है प्रभु ने, लीलाएं कर रहे हैं। डेढ़ वर्ष के कन्हैया हो गए हैं। ब्रजमंडल के जो ग्वाल बाल हैं भगवान के मित्र बन गए हैं। श्रीदामा, मनसुका, सुदाम, तमाम बिल मंगल बड़े बड़े मित्र हैं। हमारे कन्हैया छोटे से हैं, डेढ़ वर्ष के हैं, लीलाएं करते हैं। एक दिन कन्हैया ने अपने ग्वाल बालों को देखा तो ग्वाल बालों से बोले, चौरे बिल मंगल, तू डेढ़ हड्डी को है रहो है बता, दुबलो पतलो है रहो है, अरे तनिक माखन खाए कर जो मेरी तरह हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है जाए। बिल मंगल बोलो,
कन्हैया कहाँ ते खामे माखन। अरे बा कंस ने हमारे ऊपर कर लगा के रखियो है, टैक्स लगा के रखियो है, वाको कर चुकाए वे को हमारी मैया माखन को वहाँ बेच आवे, वहाँ दे के आवे, हमको खाएवे को नहीं मिले। कन्हैया बोले अच्छा ऐसी बात तो चलो मैं कछु पाए करूं। बोले कर कि चलो चोरी करनो प्रारंभ करे। ग्वाल बाल बोले चोरी करे पकड़े गए तो। कन्हैया बोले पकड़े कैसे जाओगे, मैं चोरन को सरदार हूँ, मोकू पतो है चोरी कैसे करनी है। अरे हैं तो चोरों के सरदार ही, अभी सुन रहे थे ना, सबके चित्तों को चुराते हैं, काम तो चोरी का ही करते हैं, सबके चित्तों को चुराते हैं, माखन की चोरी करने जा रहे हैं। गोपियों के घर जाकर पूरी मंडली जमात को लेकर जाते हैं, चोरी करते हैं माखन, सबको खिलाते हैं, मोर बंदरों को खिलाते हैं, और जैसे ही गोपी को पता लगता है तो भाग जाते हैं वहां से। अच्छा अच्छा, चोरी सिर्फ कृष्ण ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे कन्हैया ने चोरी की, वो तो भगवान थे, वो चोरी करते हैं तो हम चोरी करते हैं तो कौन बुरी बात है, हम लोग भी चोरी कर लेते हैं। कन्हैया चोरी करते थे, बस ये तो हमने सुन लिया कि वो चोरी करते थे, पर वो क्या चुराते थे और क्यों चुराते थे उस पर भी थोड़ा विचार करो। कन्हैया सोना चांदी नहीं चुराते थे, वो माखन चुराते थे। और माखन भी आप कहो कि माखन की चोरी करते थे, काहे के भगवान है। अरे भैया कृष्ण के यहाँ माखन की कमी नहीं है, 9 लाख गऊएं हैं जिसके घर में, वहां दूध दही माखन की कमी होगी क्या? पर फिर भी कृष्ण करते हैं चोरी, क्यों करते हैं? गोपियों के घर जाकर कि आग दोनों तरफ से लगी होती है, सिर्फ कन्हैया कोई चोरी नहीं करनी है, चोरी उन गोपियों को करवानी है, इसलिए भगवान जाते हैं चोरी करने के लिए। जब 2-3 दिन हो गए कृष्ण को चोरी करते करते, गोपियों ने देखा रोज आते हैं, पकड़ में नहीं आते कन्हैया, हम गोद में बिछा करके माखन पवा नहीं पाते, कोई ऐसा उपाय करो जो कन्हैया को गोद में बिछा करके माखन खवा में, दही खवा में, छाछ पिवा में। तो एक गोपी ने मन में विचार किया, क्या विचार किया? उसने हमारे ठाकुर जी को मीठी दही बहुत पसंद है, दही और वो भी मिश्री वाली, बड़ी भाती है। तो उसने क्या किया, सबके घर में फीका माखन, उसने अपने घर की दही में मिश्री मिलाई है, और कन्हैया को ये मिश्री मीठी दही जब पता लगेगी तो मेरे घर में जरूर आएगा, और मेरे घर में आएगा तो गोद में बिठा कर पवाऊंगी। तो जैसे ही मिश्री मिलाकर दही में पात्र में हंडिया में भरकर रखी, तो हंडिया रखी कहाँ? जिस स्थान पर हंडिया रखी है उस स्थान पर उस हंडिया के ऊपर मूड़ा रख करके, चौकी रख करके वो गोपी बैठ गई है। जब कन्हैया को मिष्ठी दही की सुगंधी आएगी और कन्हैया मेरे घर चोरी करने आएगो और सब जगह ढूंढेगो और दही कहीं भी नहीं मिलेगी, तब तो कन्हैया मेरे पास में जरूर आवेगो और मोकू नाच दिखावेगो, मोकू बंसी सुनावेगो, मेरी गोद में बैठकर मैं वाकू लाड प्यार दुलार करूंगी, तब बाद में दही पवाऊंगी। भाई चौकी पर बैठ गई है, कन्हैया आए हैं चोरी करने के लिए माखन चुराने। वाल बालों से बोले पतो है आज आके यहाँ पे मीठी दही रखी है, मोकू सुगंधी आई है। श्री दामा मधुमंगल सब बोले तो ये कैसे पतो? अरे मोकू सब सुगंधी आ जावे, मैं सब जानू, तो चल चलते हैं चोरी कर। गोपी के घर में प्रवेश किया, पूरे घर में भ्रमण किया, परंतु कहीं भी दही नहीं मिली। वाल बाल बोले लाला तो को गलत फहमी है गई, या के यहाँ तो कहीं भी दही नहीं रखी, कहीं भी माखन नहीं है, कछु भी ना है, अब कहा करे? कन्हैया बोले सुगंधी तो आ रही है, दही तो है पर दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगी, कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तो कहा करना पड़ेगा? इस समय भगवान बोले सब ग्वाल बालों से ऐसो करो, संध्या काल की बेला है,
गाय दुहने को समय है रहो है, तुम सब जाओ या की गौशाला में, और गौशाला में जाके या के सबरे बछड़ा बछियन को खोल दो, कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास है। वत्सान मुंचन क्वचित समय संध्या काल वेला में गाय दुहने के समय में बछड़े बछियाओं को खोल दो, और जैसे ही बछड़े बछियाओं को खोलेंगे तो सब बछड़े बछिया गायन को दूध पी जाएंगे, और जब ये दुहिवे को जाएगी तो एक बूंद भी दूध या कू नहीं मिलेगा। दुग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए, सारे बछड़े बछिया जब खोल दिए, सखी की नजर पड़ी, सब रो दूध ये पी जाएंगे, मैं दूंगी तो फिर मोकू कहा मिलेगा। जैसे ही वो चौकी लेके महाराज भागी, तुम कैसे भागी, चौकी छोड़ के नहीं, चौकी उठाकर भागी, और जैसे ही चौकी उठाई तो वाई के नीचे मिष्टी दही मीठी दही रखी है। कन्हैया ग्वाल वालन ते बोले अब आ जाओ चलो हम सब पाएंगे। देखियो मैंने कही ना कि दही तो कहीं ना कहीं रखी है। दौड़ पड़े ग्वाल बाल मधुमंगल बिल मंगल, और भगवान ने हंडिया को मुख से लगायो, दही को पान कियो, सब ग्वाल बालन को पवायो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। इस प्रकार से लीलाएं करते हैं भगवान। गोपियां शिकायत लेके जाती हैं यशोदा मैया से, कहती हैं तेरो लाला उधम मचावे, तेरो लाला माखन चुरावे दही चुरावे, कछु कर उपाय। मैया कहती हैं का करूं छोटो बच्चा है, अब बालकन को स्वभाव वे उधम मचाने, मचावे तो मचावे। एक बार भगवान ने गोपी के यहाँ माखन चुराए गए रात्रि के 12 बजे। उस गोपी ने अधोटा दूध, अधोटा दूध जानते हो, जानते हो, अधोटा दूध माने दूध ओट ओट करके, ओट मतलब गरम हो करके उबाल ले ले करके आधा जब हो जाए उसे कहते अधोटा, माने एक लीटर है तो आधा लीटर हो जाए, दो है तो एक हो जाए, ओट ओट करके आधा जब हो जाए उसे कहा जाता है अधोटा दूध। अधोटा दूध हंडिया में रखा है, हंडिया छीके पर रखे, छीका जानते हो ना, ऊपर मटकी टांग देते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर झूठा नहीं कर जाए। कन्हैया चोरी करने आए पूरी मित्र मंडली को लेकर के, 4, 3, 2 और 1 माने 4 ग्वाल ग्वाल बाल नीचे झुक गए, उनके ऊपर 3 चढ़ गए, उनके ऊपर 2 चढ़ गए, उनके ऊपर 1 और सबसे ऊपर हमारे कन्हैया 5-4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार कर ली। और जैसे ही छीके पर मटकी को पकड़ा, जैसे ही मटकी देखी तो ग्वाल बालों ते बोले सुनो या में माखन नाए पर या में तो सखी ने अधोटा दूध रखियो है। ग्वाल बाल बोले कन्हैया जो कछु है सोई सही, हम तो अधोटा दूध ही पी लेंगे। अब देखो माखन होता तो निकालना पड़ता हाथ से, लेकिन दूध है अधोटा तो हाथ से तो निकाला जाएगा नहीं, तो भगवान क्या करते हैं उस अधोटा दूध जो मटकी में है, मटकी में बंसी मारी, थोड़ा सा छेद कर दिया, और जैसे ही छेद हुआ तो धार बंद के दूध निकलने लगा। अब जैसे ही धार बंद के दूध निकलने लगा तो महाराज जितने भी ग्वाल बाल थे सब ओक लगा लगा कर खड़े हो गए। अब जैसे ही ओक लगा कर खड़े हुए तो वो जो मंजिल बिल्डिंग तैयार थी वो बिल्डिंग तो टूट गई। कन्हैया छीका पकड़ करके लटक गए, सब इधर उधर हो गए। कन्हैया ने अपना मुख लगा दिया और धार बांध करके दूध पी रहे हैं। इतने में ही गोपी आई, जैसे ही गोपी की घुंघरू की आवाज सुनी ग्वाल बाल तो भागे लदर पदर वहां से, पर कन्हैया भाग नहीं पाए क्योंकि ऊपर टंगे हैं, भागे तो कैसे भागे। गोपी बोली उतर, कन्हैया बोले उतरूंगो तो हड्डी पसली टूट जाएगी, अब चढ़ो तो बिल्डिंग बना के, अब बिना सिद्धी के कैसे उतरूं। गोपी बोली उतर कूद जा, कन्हैया बोले नहीं कूदूं। अब वो जो मटकी से धारा बह रही है दूध की, तो भगवान ने क्या किया,
गोपी को चकमा देने के लिए। भगवान बोले कूदूंगो तो सही पर तू अपना मुख तो खोल। जैसे ही वाने मुख खोलो तो वो धार भगवान ने वाके मुख की तरफ कर दई और भगवान छलांग मार करके नीचे कूद। अब जैसे ही मुख में धार दूध की पहुंची तो मुंह फूल गया। अब दूध मुंह में भर जाए तो फूल करके मुंह कुप्पा बोल नहीं पाए। तो भगवान अंगूठा दिखाते हुए गोपी से कहते हैं अब जा रहे हूँ। गोपी बोली कन्हैया फिर अंगूठा दिखाए जा रहे हैं। गोपी अब बोले तो कैसे बोले, न भीतर जाए न बाहर आए दूध, फूल के मुंह कुप्पा। भगवान फिर बोले जा रहे हूँ, जैसे अंगूठा दिखायो तो इतने में ही गोपी बोलने के लिए तैयार होती है। तो महाराज पिचकारी निकलती है मुख से और जैसे ही पिचकारी निकले तो कन्हैया वहां से एक दो तीन करके भागे। गोपी पीछे पीछे पर कन्हैया पकड़ में नहीं आया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। इस प्रकार चोरी करें लीला करें पर ध्यान देना ब्रजवासियों को आनंद मिलता है, गोपियों को आनंद मिलता है, परेशान नहीं होती है। कहती हैं जब यशोदा मैया के पास जाकर, अरे यशोदा कह कन्हैया ते कछु ये बड़ो उधम मचावे, ये हमें बड़ो ही परेशान करे। मैया कहती चिंता मत करो डांट दूंगी, आज कन्हैया आवेगो तो वाकू खूब समझाऊंगी कि लाला माखन की चोरी छोड़ दे। अब मैं तो समझा रही हूँ कि यह माखन की चोरी है छोड़। यशोदा मैया ने सामने बिठा लिए कन्हैया और कन्हैया को समझा रही हैं कैसे। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। नव लख धेनु तेरे बाबा की
लाख गौए हैं, कोई कमी नहीं है दूध देने की, फिर काय को चोरी करता है? कन्हैया फिर भी नहीं माने, मैया इन गोपियन के घर को माखन ज्यादा अच्छो लगे, बच्चन को स्वभाव हुए अपने घर की घी चुपड़ी रोटी भी अच्छी ना लगे, और पड़ोसी के घर के सूखे टिक्कर भी बड़े अच्छे लगे। स्वभाव होता है बालकों का। कन्हैया बोले बड़ी अच्छी लगे इनको माखन, नहीं नहीं मैं चोरी करूं। मैया बोली अच्छा, अब दूसरा उदाहरण देती है क्या, मान जा मत कर चोरी। क्या कह रही है, बरसाने पे तेरी होए सगाई, नित्य प्रति चर्चा हो, बरसाने पे तेरी होए सगाई, नित्य नई चर्चा हो, बरसाने पे तेरी होए सगाई, नित्य प्रति चर्चा हो, बरसाने पे तेरी होए सगाई, नित्य नई चर्चा हो। छेगो छोरा कहाँ करे तो कहाँ बताया जाएगा, लोग कहेंगे अरे उनको छोरा तो चोरी करे। अब जब पता पड़ेगी कि तू चोरी करे तो तेरा ब्याह कैंसिल हो जाएगा। तो मान जा लाला, सुधर जा, अभी भी समय, अगर तू चोरी छोड़ देगो तो बड़े घर की राजकुमारी जो राधा है उनके संग तेरा ब्याह होवे। बरसाने ते तेरी होए बड़ी पड़ी है। कन्हैया बोले मैया तू ब्याह कैंसिल मत करियो, मैं चोरी छोड़ दूंगा, चिंता मत कर। बड़े घर ने तो
छोड़ सकूं लेकिन चोरी ना ही छोड़ सकूं। और क्या कह रहे हैं कन्हैया, ये चोरी चुराते हैं। ध्यान देना, अगर कृष्ण चोरी ना करते तो हमारे दिल को कैसे चुराते। कल कह रहे थे ना, जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया, सोना जया मुखड़ा मैं वेखदा ही रहे। अगर वो लूट के ना लेकर जाता दिल तो हम कैसे उसका मुखड़ा देखते। लगा करके नजरें गड़ा करके वो चुराता है चित्त, चोरी करता है गोपियों के माखन की नहीं चित्त की चोरी करता है। आपने सुना है माखन चोरी लीला में भगवान माखन चुराते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। अच्छा, चोरी करना है माखन, मटकी से दुश्मनी क्या है, मटकी क्यों फोड़ते हैं? ये जो माखन है ये चित्त है गोपियों का, और मटकी अहंकार है। चित्त में अहंकार भी तो बैठा है कहीं ना कहीं। तो भगवान माखन चुराते हैं, माने चित्त चुराते हैं, पर अहंकार रूपी मटकी को फोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मैं मटकी को छोड़ दूंगा, माने अहंकार को छोड़ दूंगा, तो ये अहंकार पनपेगा, बढ़ेगा, और भक्त अहंकार करे नरकगामी होता है। इसलिए भगवान माखन चुराया और मटकी को फोड़ दिया। बोलो माखन चोर भगवान। इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं ठाकुर जी। कहते हैं एक वर्ष तक नित्य प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाया गया, और तीन वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, एक वर्ष तक तो ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया कन्हैया का, मैया जसोदा नंद बाबा ने मनाया नंद महोत्सव, और जब 3 साल की कन्हैया हो गए तो 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक फिर भगवान ने उत्सव मनाया। हर रोज उत्सव मनाते थे। कैसे? 9 लाख गौएं हैं, अब इतनी सारी गौएं हैं तो हर एक गाय कोई ना कोई दिन ब्याती ही रहती थी, और किसी भी गैया के बछड़ा हो बछिया हो तो कन्हैया उत्सव मनाते थे। नंद महोत्सव खूब धूमधाम से धन संपत्ति लुटाया करते, ऐसा उत्सव मना, ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ब्रजवासियों को आनंदित किया,
उखल बंधन की लीला रची। भगवान ने मिट्टी को खा करके मिट्टी को शुद्ध किया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से पांच तत्वों की शुद्धि की है। मिट्टी को खाकर मिट्टी को शुद्ध किया, कालिया नाग को नाथ कर जमुना जल को शुद्ध करके भगवान ने जल की शुद्धि की, पूतना को आकाश में जाकर मारा आकाश की शुद्धि की। एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, आंधी तूफान का रूप धर करके भगवान ने तृणावर्त को मार करके उस वायु की शुद्धि की। एक बार वन में अग्नि लग गई, भगवान गैया बछड़ों को बचाने के लिए उस अग्नि का पान कर गए, दावाग्नि को पी गए, अग्नि पान करके भगवान ने अग्नि की भी शुद्धि की। तो ये लीलाएं सिर्फ हंसी मजाक और ठट्टा करने के लिए ही नहीं है कि हम सिर्फ ताली बजाकर हंसें और भूल जाएं कि चोरी की, ऐसे उधम मचाया, लूटपाट करते थे। नहीं नहीं, भगवान की प्रत्येक लीला कोई ना कोई शिक्षा देती है। भगवान की प्रत्येक लीला अध्यात्म मार्ग से भी जुड़ी है। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से इन पांच तत्वों को शुद्ध किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोकुल में बड़े बड़े दैत्यों का आतंक हो रहा है, तो सभी गोकुल वासियों को लेकर के भगवान श्री धाम वृंदावन पहुंचे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि प्रणवीरुधम। भगवान ने वृंदावन में वास किया, वहां अघासुर नाम के दैत्य का संहार किया। लगभग 7 वर्ष की कृष्ण की आयु है। प्रातः काल भगवान आज जब जागे हैं तो कहते जसोदा मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान और व्यंजन तैयार कर रही है। कन्हैया ने पूछी मैया जी सब कहा है। मैया बोली लाला थोड़ो व्यस्त हूँ, अपने बाबा ते जाके पूछ। तो कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास में गए। नंद बाबा ने कही लाला हम सब ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा करें, उनको ये पकवान भोग लगा में बरसा होवे, फसल उत्पन्न होवे। कन्हैया बोले और पूजा नहीं करो तो? बाबा बोले लाला एक बार पूजा ना करी तो अकाल पड़ गयो, बारिश ही नहीं भई, भुखमरी फैल गई। कन्हैया बोले ऐसे देवता की पूजा करवे ते का फायदा, कि पूजा करो तो खुश रहे, पूजा ना करो तो रुष्ट है जाए। तुम मेरे देवता की पूजा करो, तुम ते ऐसो प्रसन्न होगो कि हर समय तुम्हारे साथ रहेगो, तुम्हारी रक्षा करेगो। तेरो कौन देवता है? बोले मेरे देवता है श्री गिरिराज महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की। सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन धाम श्री गिरिराज महाराज के चरणों में पहुंचे हैं। ब्रजवासियों ने सबसे पहले 7 कोस के गिरिराज पर्वत की परिक्रमा की है। नंद बाबा सब ब्रजवासियों ने मिलकर के पूजन किया है। तो आइए हम भी चलते हैं गोवर्धन धाम में, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। बड़ी ही सुंदर गिरिराज जी की छवि हमारे सामने भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। हमारे यहाँ ब्रज में दीपावली के दूसरे दिन इसी प्रकार से गाय के गोबर से गिरिराज जी हर घर हर मंदिर में बनाए जाते हैं और गिरिराज पूजन किया जाता है। तो आज वही छवि आपके सामने है, तो आप हम सभी दर्शन करेंगे। खूब सारा 56 भोग भी आया है, भोग भी लगाएंगे, पूजन करेंगे, नृत्यगान करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी गिरिराज का पूजन कर रहे हैं, सब ब्रजवासी छप्पन भोग लगा रहे हैं। बड़ी सुंदर सी छवि हमारे सामने भी गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। आज कन्हैया 7 वर्ष के हो गए हैं, कल जन्म महोत्सव मनाया था, आज 7 साल के हो गए हैं, कल थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। और जब बेटा बड़ा हो जाए तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? नहीं पता? अरे शादी करनी है कि नहीं करनी? ये कन्हैया को कुंवारा ही रखना है, तो कौन कौन कन्हैया की बारात में चलेगा, हाथ खड़े करो। ओहो बाबा जी, 2-3 बस करनी पड़ेगी। हाँ कल तो बढ़िया, सब सज धज करके आना। हाँ खूब बढ़िया, जैसे बारात में जाते हैं ना, तो कन्हैया की कल बारात में चलेंगे, खूब धूमधाम से ब्याह रचाएंगे। किस प्रकार भगवान का विवाह होता है, आगे की कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। पात्र आपके सामने रखा हुआ है, जैसा कि गौ सदन के बारे में मैंने आपको बताया था, कुठेड़ा में जो गौशाला है उसके निमित्त आप जो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हो वो यहाँ दे सकते हैं। आपकी वो भेंट वहाँ गौशाला तक पहुँचाई जाएगी। गिरिराज जी का पूजन जो भी करना चाहें गिरिराज पूजन भी कर सकते हैं। तत्पश्चात हम आरती प्रसाद लेकर घर को प्रस्थान करेंगे। तो आइए जब तक आप पूजन है उसके निमित्त आप जो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हो वो यहाँ दे सकते हैं। आपकी वो भेंट वहाँ गौशाला तक पहुँचाई जाएगी। गिरिराज जी का पूजन जो भी करना चाहें गिरिराज पूजन भी कर सकते हैं। तत्पश्चात हम आरती प्रसाद लेकर घर को प्रस्थान करेंगे। तो आइए जब तक आप पूजन करेंगे, अपनी भेंट अर्पित करेंगे, तब तक एक छोटा सा भजन हम बधाई स्वरूप गाएंगे, तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री गिरिराज गोवर्धन वारे महिमा परंपार, तेरा जयकारा है। I'm not afraid.
आरती का दर्शन करेंगे, तत्पश्चात प्रसाद लेकर, लंगर प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। Oh,